हेलो दोस्तों, सांख्यिकी स्वयं सेवकों का लकी सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं, बिहार में सांख्यिकी स्वयं सेवकों की भर्ती हुई थी, उन्हें रोजगार देके बेरोजगार बना दिया गया है। आखिर बिहार शासन ने ऐसा क्यों किया, कौन है जिम्मेदार, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप लोग वीडियो पूरा देखें, उससे पहले हमारी आपसे विशेष आग्रह है हमारा कि आप सभी लोग चैनल को, जितने भी बिहार में सांख्यिकी स्वयं सेवक हैं, सर्वेक्षण सहायक हैं, सभी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी दबा दें, जिससे कि जब भी हम आपके लिए लेटेस्ट वीडियो बनाएंगे आपको हमारा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पूरे बिहार में फैला दें, जिससे कि आपकी बात सीएम तक पहुंच करेंगे, आपका मुद्दा मीडिया में अच्छे से हाईलाइट हो जाए। ठीक है, बिहार में 72,631 सांख्यिकी स्वयं सेवकों की भर्ती हुई थी, सभी के पास हमारा ये मैसेज पहुंचना चाहिए। अब हम कर रहे हैं विस्तार से चर्चा, आप लोग वीडियो पूरा देखें। यहाँ पर जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग देख रहे हैं, यहाँ पर बिहार राज्य मान्यता प्राप्त सांख्यिकी स्वयं सेवक संघ समस्तीपुर, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। और प्रति में किसे ये भेजा जा रहा है लेटर, माननीय योजना एवं विकास मंत्री बिहार सरकार पटना, यानी महेश्वर हजारी जी को। ठीक है, विषय क्या रखा गया है, विषय है आपका मान्यता प्राप्त सांख्यिकी स्वयं सेवक के समक्ष अंधकारमय भविष्य के संबंध में। आपको जैसा कि पता है सर्वेक्षण सहायक यानी ASB सांख्यिकी स्वयं सेवकों का भविष्य अंधकारमय है, क्योंकि इन्हें रोजगार देके बेरोजगार कर दिया गया है शासन में। ऐसा क्यों, हम विस्तार से चर्चा करेंगे, आप लोग वीडियो पूरा देखें, पेशेंस बनाए रखें। सबसे पहले हम आपको एक बात यहाँ पर दोस्तों और बता दें कि भर्ती हुई थी बिहार शासन में सांख्यिकी स्वयं सेवकों की। ठीक है, किस आधार पर हुई थी, तो इनका चयन बच्चों मेरिट के आधार पर हुआ था। ठीक है, मेरिट बनाई गई थी यानी परसेंटेज फार्मूला। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या था, एक पैनल बनाया गया था सांख्यिकी स्वयं सेवकों का, इनका उद्देश्य क्या था। आपको जैसा कि पता है शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्य करना पड़ता था, इस संबंध में शासन ने एक पैनल बनाया, उसका उद्देश्य था शिक्षक ओनली शैक्षणिक कार्य करें, गैर शैक्षणिक कार्य के लिए हम सांख्यिकी स्वयं सेवकों का एक पैनल बनाएंगे। तो उस पैनल के तहत सांख्यिकी स्वयं सेवकों का गठन किया गया, फिर इनको उसके द्वारा काम दिए गए। ठीक है, अब हम आपको बता दें कि इनको कौन कौन से काम दिए जाने चाहिए थे। ठीक है, आर्थिक गणना, आप लोग नोट कर लें, आर्थिक गणना, फसल कटनी, जन्म रजिस्ट्रेशन, बेरोजगार, रोजगार सर्वे। ठीक है, और 2019 में भी सर्वे आने वाला है, आर्थिक जनगणना का सर्वे। ठीक है, तो वो भी सर्वेक्षण सहायकों को दिया जाना चाहिए, यानी सांख्यिकी स्वयं सेवकों को। ठीक है, हम विस्तार से चर्चा करेंगे, आखिर ऐसा क्यों हुआ 2012 में। मैं आपको बता दूं कि 2012 में इनकी पोस्टिंग हुई थी, 2015 तक इन्हें काम दिया गया। 2015 के बाद सांख्यिकी स्वयं सेवकों को काम नहीं दिया गया। 16 से लेके, आप लोग नोट करें यहाँ पर, 16 से लेके 19 तक, यानी अभी तक ये रोज़गार की तलाश में है, रोज़गार इन्हें दिया नहीं जा रहा है। शासन से मांग कर रहे हैं कि हमको नियमित रोज़गार दिया जाए। इस संबंध में सर्वेक्षण सहायक जगह जगह ज्ञापन दे रहे हैं, यानी सांख्यिकी स्वयं सेवक जगह जगह ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन इनकी सुनवाई अब तक नहीं हो रही है। हम विस्तार से चर्चा करेंगे, आप सभी लोग हमारे साथ बने रहें। यहाँ पर आप देख रहे हैं योजना एवं विकास विभाग में होगी बहाली, हजारी। ठीक है, यानी ये किसने कहा है, महेश्वर हजारी ने कहा है, ये योजना एवं विकास मंत्री हैं बिहार पटना। ठीक है, तो हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर उन्होंने क्या कहा है। ठीक है, पटना योजना एवं विकास विभाग का मंत्री पद मंगलवार को संभालने के बाद महेश्वर हजारी ने कहा है कि विभाग में कर्मचारियों की कमी है, कर्मियों की बहाली की जाएगी। ठीक है, यानी जो निष्कासित हो चुके हैं कर्मचारी उनकी बहाली होगी। मुख्यमंत्री ने जो जिम्मेदारी हमें सौंपी है उसे पूरा करने का हम प्रयास करेंगे।
महेश्वर हजारी ने कहा है कि योजना एवं विकास विभाग में बहुत काम है, उनकी प्राथमिकता होगी कि, ठीक है, आप लोग पूरा देखें, सभी कामों को त्वरित गति से समय पर लागू किया जाए, यानी पूरा किया जाए। ठीक है, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको यहाँ पर एक बात हम और बता दें कि आपको हाईलाइट कर देते हैं एक बार फिर, 2020 तक सातवीं आर्थिक जनगणना होनी है, तो एक काम किसके द्वारा कराया जाना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, आर्थिक गणना के लिए प्रशिक्षित होंगे पंजीकृत सुपरवाइजर। लेकिन हम आपको यहाँ पर एक बात और बता दें, जितने भी बिहार में सर्वेक्षण सहायक हैं, सांख्यिकी स्वयंसेवक हैं, ASB हैं, आप सभी लोग मंत्री को ज्ञापन दें, CM से मिलने की कोशिश करें, आप लोग एकजुट होकर CM से मिलने जाएं, उनसे मांग करें कि ये वाला काम ओनली आपके आर्थिक योजना एवं विकास, ठीक है, यानी योजना एवं विकास विभाग में जो कर्मचारियों की जो नियुक्ति की गई थी सांख्यिकी स्वयंसेवक, तो ये वाला काम ओनली सांख्यिकी स्वयंसेवकों के द्वारा कराया जाए। ये हमारी आपसे विशेष गुजारिश है। आप सभी लोग CM को ज्ञापन तो देते रहें, साथ में आप सभी लोग एकजुट हो जाएं, अपनी टीम बना लें, आप सभी लोग उनसे मिलने जाएं, ठीक है। और हम यहाँ पे एक बात और विस्तार से आपको बता देते हैं कि हमें तो आज आपसे विस्तार से, ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हैं मंत्री जी को ज्ञापन देते हुए बिहार के सांख्यिकी स्वयंसेवक, ठीक है। हम यहाँ पे और सारी फ़ोटो, बहुत सारी फ़ोटो दिखाएंगे जैसे कि मेरे पास आती रहती हैं आप सभी की। सांख्यिकी स्वयंसेवकों ने मंत्री जी को दिया ज्ञापन कल्याणपुर, ठीक है, यहाँ पर भी इसको भी हाईलाइट कर देते हैं, यहाँ पर भी ज्ञापन दिया गया। आप देखते हैं कि मंत्री जी आपकी जो मांग है कब तक पूरी करते हैं, कब तक CM तक पहुंचाते हैं, देखते हैं कि बिहार के CM माननीय नीतीश कुमार जी आपकी मांग को कब पूरी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ज्ञापन दिया जा रहा है मंत्री जी को, ये हैं हमारे बिहार के CM नीतीश कुमार जी, हम सभी सांख्यिकी स्वयंसेवकों से आपसे विशेष आग्रह है, हम सांख्यिकी स्वयंसेवक आपसे विशेष आग्रह करते हैं कि आप हमारी मांगें पूरी करें, हमें नियमित रोजगार दें, हमें नियमित करें, हमारी बहाली करें, ठीक है। हमारा पैनल आपने जो रद्द कर दिया है उसको क्रियान्वय करें, हमें नियमित रोजगार दें, ठीक है, हमारी नियमित भर्ती करें। देखिए बिहार के समस्त सांख्यिकी स्वयंसेवक मंत्री जी को ज्ञापन देते हुए विभागीय मंत्री जी को, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि इस समय बिहार में सांख्यिकी स्वयंसेवक कितने परेशान हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं रोजगार के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दें। हमारा विशेष आग्रह है बिहार के सांख्यिकी स्वयंसेवकों से कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करने के बाद घंटी दबा दें, जिससे कि हम कुछ भी नया अपडेट आपके लिए लाएंगे, आपको हमारा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।